सीन ऐसा हो गया ना कि ये भाई का चप्पल जो है ना एक बंदा लेके चले गया। अपनी गाड़ी इधर खड़ी है देखिए, और चलो बाहर करो भाई, उधर देख लो, उधर वो साइड में। काटने का स्टाइल बढ़िया है भाई आपका। इट इज बेंच, देखिए किस किस की ड्रीम है हमारे चलाने का भाई। हमारे सब्सक्राइबर हैं, नाम बता दीजिए अपना क्या है। अभिषेक गुप्ता मेरा नाम है और ये हमारे फ्रेंड है। छुहारा भाई बहुत फेमस है और यहाँ से सऊदी का लोग लेके जाते हैं। क्या खा रहे थे क्या? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे गाइज। तो कल मैं जा रहा था घर वापस रात में, और रात में हम लोग 15-20 किलोमीटर दूर से वापस आए क्योंकि काफ़ी रात हो गया था, तो रात में जाना ठीक नहीं था, इसीलिए हम लोग आगे सो गए थे। अभी सुबह हो गया, 10 बज गया, हम लोग नहा धुल के निकल लिए घर से। अभी यहाँ रुकना नहीं है क्योंकि बहुत अर्जेंट काम है, मेरे को फ़ोन आ गया है तो गोंडा में मेरे को काम है। तो अब यहाँ से सीधा निकलते हैं नीचे, भाई गाड़ी नीचे पार्क की है और चलते हैं सीधा घर की तरफ। चलो भाई। सीन ऐसा हो गया ना कि ये भाई का चप्पल जो है ना एक बंदा लेके चले गया था, तो हम लोग 10-15 मिनट अभी तक यहाँ ढूंढ रहे थे, अब मिल गया फाइनली। वो गलती से पहन लिया, बाद में सॉरी वॉरी बोल दिया, तो चलो ठीक है सॉरी बोल रहा, तो चलो कोई बात नहीं भाई। बाकी गाइस देखिए ये है व्यू, लखनऊ का व्यू देख सकते हैं आप लोग। ये लखनऊ का नज़ारा देखिए गाइस, चेक करो गाइस चेक करो। चलो भाई गाड़ी इधर खड़ी है देखिए, और चलो बाहर करो भाई, उधर देख लो, उधर वो साइड में। बैक करो। आ जाओ। चलो भाई आ जाओ, गाड़ी अपनी आ गई है। ये है इरम कॉलेज टेढ़ी पुलिया। तो गाइस हम लोग वापस हो रहे हैं घर की तरफ और बीबीटी के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जी, बराबर। और यहाँ पे ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ से फॉरेनर भी यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा फॉरेनर भी आते हैं? पता नहीं यार। Indonesian, I don't know. Russian, युगांडा जैसा नाम है उस कंट्री का भाई, वैसे बच्चे वहाँ के लोग, वहाँ के आदमी भी युगांडा टाइप है। सही युगांडा जो नाम है ना एक कंट्री का भाई, वहाँ के लोगों को देखो तो युगांडा की तरह ही लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं कि मतलब उनको देखोगे तो कहोगे तो देखते रहो। हमें लगता है गांव में कुत्ते होते नहीं। अगर गांव में कहीं गलती से अगर कुत्ते उसको काट डालेंगे नहीं मेरा भाई, जैसे लोग वहाँ के युगांडा के लोग को देखोगे तो अगर कंट्री का नाम नहीं जानोगे तो भी कह दो तो साला युगांडा लग रहा है। बिल्कुल सेम युगांडा की तरह ही लगता है। और भाई दूसरी बात ये कल क्या है ना, कल ये भाई कहाँ पहुँच गए थे? कल हम लोग भाई रात में सिंगापुर से निकले भाई लखनऊ में। अब बोला रहा तो बता दे भाई मैं सिंगापुर आ गया हूँ भाई, मैं सिंगापुर से निकला। क्या यार एक से एक है, अब सिंगापुर पहुंच जाएंगे तो बता देंगे भैया बस मैं दूसरे दुनिया में आ गया हूँ। क्या यार है, जस्ट चिल ब्रो जस्ट चिल है ना, एंजॉय योरसेल्फ, मिलते हैं आगे। तो गाइस देखिए वो सामने जा रहा दहेज। दहेज हाँ यार, किसी की शादी हुई है, किसी के बाप को लोग लूटने जा रहे हैं, किसी की शादी हुई है और किसी के बाप, और शादी में देखो ये लूट गया भाई किसी के बाप। हम आपको क्या क्या दहेज में मिला है इसको उसको पाइप
रस्सी डोरी सब मिला है। हाँ। और तुमको क्या मिला था बताना, सही से बताना अपना। भाई हमें कुछ नहीं, इनको गड्डी मिला था भाई। गड्डी देखो इस बेचारे को ये मिला, देखिए नहीं ये तो टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। अरे दहेज नहीं है, ये दहेज नहीं है, ये दहेज ही है। दहेज ही है पक्का, पक्का भाई। इसमें दहेज भी लदा हुआ है, हमें लगता है ये सेकंड हैंड दहेज है। नहीं ये दहेज इसमें लदा भी हुआ है, साथ में इसमें फोर सीलिंग का कुछ सामान। अच्छा मतलब पूरा सामान भी देंगे, फोर सीलिंग घर भी बनवाएंगे, और घर का जो काम नहीं है उसको भी, हाँ उसको भी बढ़िया डेकोर कर ले। डेकोरेशन जो नीचे रखा हुआ है सब, वो सब वॉल पेपर पीवीसी है। हाँ पीवीसी है, वॉल में लगता है। तो गाइस देखिए वाल्वो का शोरूम है, बिक गया भाई आज के टाइम। लेकिन गलत है यार दहेज वहेज वाला हिसाब किताब, लेकिन क्या करेगा साला, रिवाज ही ऐसा चल रहा है। जिसके जिस साला जो कुछ काम भी नहीं करता है, जो मतलब तेल डलाने लायक नहीं साला, वो भी कहता है कि मुझे भैया बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए। उसके बाद बुलेट लेने के बाद में एक महीना तो चला लेता है, एक महीने के बाद बोलता है भाई गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं है, है ना। उसके बाद भाई मतलब जैसे दो तीन महीने चलाएंगे, जो मतलब जो पैसा वगैरह पाते हैं शादी में जो है ज्यादा पा जाते हैं, 2-4 हजार रुपए, तो 2-3 महीने का तेल का खर्चा मिल जाता है, उतना चल जाता है, तो उतना 2-3 महीना चल जाता है। उसके बाद 2-3 महीना गाड़ी को अंडरग्राउंड कर देते हैं, उसके बाद गाड़ी को बेच दिया जाता है, बेचने के बाद तुरंत आईफोन वगैरह और कपड़ा, मतलब बुलेट से सीधा मोबाइल पे आ जाते हैं, कपड़े भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे नंगे भी हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या बोलते हैं, मोबाइल जब उनको आईफोन बेचना होता है चलाने का मतलब, नहीं तो ऐसा नहीं बोलते, बोलते मोबाइल आईफोन बेकार है यार, इसमें मजा ही नहीं आता, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, बोलते हैं मजा ही नहीं आता, तो आईफोन बेकार है। उसको फिर उसको बेचने के बाद में बॉम्बे वीवो और रियलमी आ जाते हैं, बॉम्बे चले, बाकी बॉम्बे तो निकल ही जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा भाई कहानी है, बाकी पैराडाइज देख लीजिए, शालीमार पैराडाइज। यहाँ पर जो जमीन है भाई फुट मिलता है, बहुत महंगा है, बहुत। आज के टाइम पे बता दूं भाई, सच बता रहा हूँ, लोग अगर कमाते हैं 20,000 रुपए अगर मंथली कमाते हैं, तो आते हैं ना बम्बई रहते हैं या फिर कोई दिल्ली रहते हैं कहीं भी रहता है, तो जब आते हैं गांव में तो क्या बोलते हैं, मंथली नहीं बताते हैं, बोलेंगे 20,000 रुपए मेरा वीकली है, नहीं हफ्ते में, पढ़ने नहीं बताते हफ्ते में बताते हैं, मतलब 20 चौका 80 इस तरह बताते हैं। क्या पता वहाँ बॉम्बे जाने के बाद वहाँ बेचारे पोछा वगैरह लगाते हो, कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आते हैं बताते हैं मैं इंजीनियर था। नहीं नहीं ये सब सऊदी बम्बई नहीं, ये सब सऊदी में होता है, यहाँ से सऊदी जाने के बाद में लोग ऊंट चलाते हैं, बकरी चलाते हैं, रेगिस्तान। अरे बोलते हैं भैया एकदम सऊदी में, बस वही शेख के घर पे था, शेख का मैं सचिव था। हाँ शेख का पूरा पैसा सब संभालता था, पूरा उसका जो है रिसेप्शन में बैठा। मैं सऊदी रह चुका हूँ भाई, ठीक है 4-5 साल सऊदी था, अब मेरे को सब पता है वहाँ पर कैसा जिंदगी रहता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, हालत खराब हो जाता था। मैं खुद बताता था, झूठ क्यों बोलूँ, मैं खुद बताता था भाई, सऊदी में रहता था और कमाता था 10,000, तो बताता था 25-30 हजार। बोले तुम बोला असली पोल खोल रहे हो, सच बता रहा हूँ, जो है फैक्ट फैक्ट है भाई, उसमें कोई निकालने नहीं जाएगा। एक दिन ऊपर वाले ने अफजल भाई का समय बदल दिया, तो सऊदी ने सऊदी छोड़ दिया, सऊदी को छोड़ दिया भाई, सऊदी भाई भाई टाटा का गाड़ी का शीशा ब्लर है। बाकी इस गाड़ी को जो है ना भाई फहद के नाम करने जा रहे हैं हम लोग, है ना, इसको यहाँ से शुरू करें हम लोग के अंदर प्रोटोकॉल चल रहा है, आगे थार में गना पीछे में थार, हाँ, हाँ, दिखा दो पीछे का थार चल रही है, पीछे दिखा दे, दिखा दे, देख लीजिए रुके दिखाते हैं, देखिए देखिए ये देखिए गनर चल रहे हैं, ये देखिए हमारी गनर, गनर लोकल गनर है, लोकल गनर सामने थार में गनर चल रहे हैं, बाकी अभी सरकारी गनर मिलने वाली है ना, सामने मिल जाएगा, अगर राहुल गांधी का आएगा सरकार तो इनको मिलेगा, और बीजेपी क्या आएगा तो मुझे मिलेगा। जय बीजेपी, जय बीजेपी, जय बीजेपी। ना भाई बीजेपी का नाम मत ले भाई, क्यों ना? बीजेपी में क्या हो बताइए, पॉलिटिशियन का नाम मत, क्या खराबी क्या हुआ है, बीजेपी में क्या गलती है यार, पार्टी सब एक जैसा होता है, जो इंसान गलत काम करे वो इंसान को गलत बोलो, पार्टी वार्टी कुछ नहीं, पॉलिटिशियन देखो सुनो सुनो भाई, हमें राजनीति से सख्त नफरत है, वो भी इंडियन पॉलिटिशियन है, वो भी इंडियन पॉलिटिशियन है, ठीक है ना, सब पॉलिटिक्स करते हैं। रही बात अगर कोई इंसान कोई नेता काम गलत कर रहा है, उसका पर्सनली नाम लेके बोलो किसी, और सब पार्टी के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते, ओके। बीजेपी में भी, बीजेपी में बहुत सारे नेता है, बहुत सारे अच्छे आदमी है, कुछ लोग गलत भी काम करते हैं, तो सबको नहीं कह सकते हम ना यार, हम नहीं कहते हैं भाई, सबको नहीं कहेंगे, कोई भी पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी कांग्रेस हो या MIM हो या फिर बीजेपी हो। यहाँ पर मिल रहा है नारियल पानी, आइए नारियल पानी पीते हैं, आइए नारियल का पानी पीते हैं भाई,
कैसे दे रहे भाई? 60 रुपए का पिलाइए एक दिखाइए, तो इधर दिखा दीजिए इनका काटने का स्टाइल। ये कहाँ से आता है भाई माल? हाँ वीडियो बना देंगे यूट्यूब पे जाएगा वीडियो। हाँ भाई इधर आइए। ये आप लोग हमेशा लगाते हैं ये पर? हमेशा लगाते 12 महीना। ये कहाँ से आता है माल? ये बेंगलोर से आता है। कहाँ से? बेंगलोर से। अच्छा ये दिखाइए, ये चाकू दिखाइए, ये वाला नाइस, क्या जबरदस्त चीज़ है। इसको निकालने के लिए बनाया क्या? बोलो मैं मुंबई फर्स्ट टाइम गया था ना, तो वहाँ पे देखा एक लोग लेके गया होटल में खिलाने, तो बोले भाई एक डब्बा गोश्त ले लो। तो मैं कुछ टाइम तक तो परेशान था, सोचता था डब्बा गोश्त बोले हैं क्या बोले हैं, मैं समझ नहीं पाया। फिर कुछ टाइम होगा तो शायद टाइम लग गया, तो बोले दोबारा बोले उसको क्या हुआ डब्बा गोश्त बोला था मैंने अभी तक नहीं लाया, तो बोला ठीक है ला रहा हूँ भाई, हो रहा है डब्बा गोश्त। बोला डब्बा गोश्त ये कैसा डब्बा गोश्त भाई? तो डब्बा गोश्त जब आया भाई तो देखते रह गया, डिब्बा का मतलब क्या हो, मैं सोचा डिब्बा उब्बा में आएगा बड़ा गोश्त ऐसा कुछ, तो डिब्बा उब्बा नहीं भाई, उसके ऊपर आमलेट जो सालन रहता था, सालन के ऊपर एक आमलेट बना के ऊपर से उसको ढक दिया, हो गया डिब्बा गोश्त। तो मतलब ऐसा ऐसा नाम भाई डिश का था भाई। अभी हम लोग मसौले में रुके थे, चाय पी रहे थे, और यहाँ का चंद्रकला जो आप लोगों को पता होगा बहुत फेमस है, तो चंद्रकला लेके मैं गाड़ी में डाल दिया हूँ ऑलरेडी। ये चंद्रकला देखिए, क्योंकि यहाँ जब भी आता हूँ तो चंद्रकला और रबड़ी के साथ जरूर लेके जाता हूँ, क्योंकि खुद खाओ और घर वालों को भी खिलाओ। तो गाइस अभी मैं मिला था भाई लोगों से मसौली में, क्योंकि यहाँ का चंद्रकला बहुत फेमस है, तो भाई लोग मिले हमारे सब्सक्राइबर हैं। नाम बता दीजिए अपना क्या है? अभिषेक गुप्ता मेरा नाम है, और ये हमारे फ्रेंड है मनीष। हमारा नाम आकाश है। मनीष हमारा नाम है। कहाँ रहते आप लोग? बड़ा गांव में रहते हैं। पढ़ते कहाँ पर? हम यही पास में स्कूल में। क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर में। चलो अच्छा है, पढ़ो अच्छे से भाई और आगे जाओ, ठीक है? थैंक यू भाई, मिलते हैं। ओके ओके। ये लोग मिले थे मेरे को भाई, सब्सक्राइबर थे, तो बोले वीडियो में ले लीजिए आप लोग हमें भी भाई। बोले चलो ठीक है, क्योंकि भाई एक यूट्यूबर अगर कुछ है तो उसके सब्सक्राइबर की वजह से है ना भाई, इसलिए हमेशा अपने सब्सक्राइबर का इज्जत करो भाई, कहीं भी मिले टाइम दो और फोटो लो, आपस में बात भी करो, ठीक है? बाकी दोस्तों इसी तरह प्यार बनाए रहे, थैंक यू। ये है कैसा रहेगा मशहूर खुरमा, देखिए आप लोग। ये छुआरा भाई बहुत फेमस है, और यहाँ से सऊदी तक लोग लेके जाते हैं। भाई यहाँ का जो खुरमा है ना इतना फेमस है कि लोग सऊदी दुबई तक लेके जाते हैं, और खाने में एक नंबर। अगर मुझे, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे अगर खो वाला मिठाई दोगे एक तरफ और इसको दोगे एक तरफ, तो मैं इसको खाऊंगा उसको साइड में कर दूंगा, इतना पसंद है मुझे। अच्छा तो भाई है ना, अच्छा चीज बनाता है, क्वालिटी एक नंबर रहता है भैया। तो जब भी मैं इस रास्ते से निकलता हूँ इसको घर पे जरूर लेके जाता हूँ, आप लोग भी यहाँ पे आइए, अगर इस रास्ते से निकलिए तो ये चीज लेके जाइए, खुद खाइए घर वालों को भी खिलाइए, क्योंकि खाया पिया साथ है ना आपका, वही है गाइस जो आपने खा लिया और आपने पहन लिया या नेक रास्ते में खर्चा कर दिया वो आपका है, बाकी आपका कुछ भी नहीं है। जिंदगी में कोई भरोसा नहीं है, आदमी कब आया और कब चले गया, सुने होंगे आप लोगों भी कि अच्छा खासा इंसान रहता है एक झटके में चले जाता है, ये जिंदगी है, खुद खाओ लोगों को खिलाओ और घर वालों को भी खिलाओ, थैंक यू। ये जा रहे हैं फैसल, देखिए फैसल को। ए फैसल, हाँ डिग्गी खोलो, डिग्गी खोलो। हाँ क्या हालचाल है? खोलो, बढ़िया है भाई। क्या खाना खा रहे थे? क्या अच्छा खाना खा रहे थे? चलो ठीक है, गड्डी की खुले। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने घर के पास, और आपको दिखा तो ये रहा मेरा घर, सामने आप देख सकते हैं ये वाला अपना घर,
अपना गरीब खाना, जिसे जो भी बोल लो। तो बाकी गाइज इस वीडियो को यहीं पर कर देता हूँ, एंड वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए।